सो यो दिस इज एमजे वाचिंग माय ब्लॉग्स एमजे ब्लॉग्स आई एंडी बैक अगेन विद द न्यू वीडियो। सो भाई आज बहुत दिनों के बाद नाइट राइड पे निकले हैं आज, क्योंकि आज छुट्टी है कॉलेज की। सो कल अभी जल्दी उठने आए नहीं भाई, तो सोचा दोस्त के साथ घूमने चले जाए। साथ अपने को बुलेट की चाबी भी मिल गई थी, तो सोचा घूम लेते। तो दोस्त बोला चलो गार्डन को हम घूम के आते, तो वहाँ जा रहे हैं महात्मा मंदिर थोड़ा घूमने। तो भाई आज हम गए थे मिर्जापुर अहमदाबाद, थोड़ा बाइक का थोड़ा काम करवाना था। अभी पहुँचते दिखाते हैं बाइक क्या काम करवाया है। एंगल चेक कर रहा हूँ भाई गोप्रो, क्योंकि मेरे बाइक को सेट नहीं हो रहा है ये गोप्रो का एंगल। सो बस आज हम गए थे मिर्ज़ापुर, कुछ मॉडिफिकेशंस करवाए, जैसे कि ये मोबाइल स्टैंड मैंने डलवाया है, जो मैंने मेरी होंडा डियो में भी डलवाया था, और मेरे को पड़ा था अराउंड, वो उस वक्त मैंने उसमें डलवाया था 450 का मेरे को डाला था, पर बाद में मैंने ये दूसरी बार गया तो मैंने बोला इधर से ही डलवाया, तो उन्होंने मेरे को ये वाला दिया 400 में, क्योंकि हमने एक साथ दो बाइक में डलवाया है। एक ये डलवाया है एंड एक और चीज़ है आपके लिए, सो जस्ट मैंने ये डलवाया अभी फॉग लैंप्स, सो एज यू कैन सी। सो ये वाले फॉग लैंप्स मेरे को पड़े अराउंड, जब हमने दो लोग को साथ में डलवाया तो हम लोग को 1600, मतलब एक का हमको 800 में पड़ा है पूरा स्विच के सिस्टम के साथ। और आप इसकी रेंज देख सकते हो, काफ़ी दूर तक है इसकी रेंज। एंड एक और चीज़ है, जो और कोई भी एक लॉन्ग राइडर होगा तो भाई उसको चाहिए ही। हैजर्ड लाइट्स, सो इसमें पहले नॉर्मल वाले बल्ब थे, बट उन्होंने बोला कि नॉर्मल वाले बल्ब में वो हैजर्ड लाइट्स वाला नहीं चलता है सिस्टम, सो मुझे चेंज करवाना पड़ा और ये वाला डलवाना पड़ा। इसका सिस्टम ऐसा है कि स्विच बंद करके चालू करूँगा तो ये चेंज हो जाता है, सो एज यू कैन सी ये पूरा चेंज हो जाए मोड। अभी दूसरा मोड करना हो तो स्विच बंद करके वापस चालू करो तो अलग ही दूसरा मोड आ जाएगा। से ऐसे इसमें अराउंड 16 अलग अलग मोड है, उन्होंने बोला तो है। ये देखो, पीछे के भी दिखा देता हूँ। बैठना भाई किधर जा रहा है, वो देखो दोस्त भी अपना स्नैप्स ले रहा है अभी इसके लिए। तो मेरे को तो भाई इंडिकेटर्स काफ़ी बढ़िया लगे, और इंडिकेटर्स और हैजर्ड लाइट्स का मेरे को पड़ा अराउंड, हमने दोनों ने डलवाया दो तो 1700, मतलब एक का 850 में पड़ा मेरे को, तो काफ़ी अच्छी रिजनेबल प्राइस लगाए थे उन्होंने। और एक और चीज़ है, ये सारी लाइट्स कुछ ऐसी नहीं है, एक और चीज़ भी आपको दिखाता हूँ मैं। इधर आ मोलिक,
ब्रेक लाइट दबाइयो, ब्रेक दबाइयो, वो साइड वाला लीवर। सो एज यू कैन सी ये इसके अंदर ये एंजल आई दी हुई है, दबाना फिर से। पीछे का भी सेम, जैसे ही आप ब्रेक दबाओगे ये लाइट्स होगी। सो मेरे को भी ये चीज़ बहुत बढ़िया लगी और ये लॉन्ग राइड के लिए काफ़ी बढ़िया है। सो अराउंड मेरा आज का पूरा खर्च हो गया ये 2450 का मेरा खर्चा हो गया आज। सो बाय, अभी ये बाइक हो गई है लद्दाख के लिए रेडी। जस्ट अभी एक दो खर्चे और बाकी है, जैसे कि वो पिलियन के लिए इधर का जो स्टैंड लगता है एक वो स्टैंड लगेगा, एंड इसके जो सैडल बैग्स आते हैं वो लगेंगे। सुबह अभी इसको फुल्ली लोड कर लिया गया है लद्दाख ट्रिप के लिए। सो लद्दाख ट्रिप हमारी स्टार्ट होगी 4th of May 2019, देन वो 15 या 19 दिन की राइड है। जस्ट मेरे को कुछ प्रॉपरली पता नहीं कितने दिन की राइड है, बिकॉज़ मेरा भाई जाने वाला है, मैं नहीं जाने वाला हूँ। मेरी राइड होगी 25 मई के बाद, जगह भी डिसाइडेड नहीं है, बट डिसाइड हो जाएगी तो अपने भी जाएंगे राइड पे। बट अपने ये वाली लेके नहीं जाएंगे, अपनी वाली होंडा डियो लेके जाएंगे, जो मेरा दूसरी व्हीकल है 2000 एम। बस आज के वीडियो में इतना ही था। अभी इस फॉग लैम्प का आपको रोड टेस्ट भी दिखा देते हैं। अभी सभी इसका नॉर्मल बल्ब चल रहा है, सभी नॉर्मल बल्ब हाई बीम में, येलो बीम में, ये डिपर है। सभी हम अपना ये को ये नॉर्मल में से अपने फॉग लैम्प्स ऑन कर रहा हूँ मैं। सभी देख सकते हैं आप ये फॉग लैम्प्स से कितना ये कितना डिफरेंस पड़ रहा है, आप देख सकते हैं रोड पे। इसका सबसे बढ़िया रही आप तो रिव्यू आपको मैं तभी दे पाऊंगा जब कोई अंतर जैसे एरिया में आ जाऊँ, बट हमारे यहाँ ऐसा कोई एरिया है नहीं। तो इंडिकेटर्स ऑन हो जाते हैं साइड के।